ये आवाज कैसी है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है इधर? कौन है सामने हो? कौन है यहाँ? आने सामने आओ वरना अच्छा नहीं होगा। हे परमपिता परमेश्वर, आशा को बहुत दर्द हो रहा है, कृपया करके उसका सारा दर्द मुझे दे दीजिए। क्या हुआ? ये अचानक भेड़े इतनी बेचैन कैसे हुई? कहीं इन्होंने शेर या लोमड़ी तो नहीं देख लिया? चलो देखते हैं। चलो। ये भेड़ों को क्या हुआ? देख इधर कोई जानवर तो नहीं है? उधर देखते हैं। ने देखा था ना कल रात सोते समय वो कितना डर रहा था, बार बार किसी मेमने को याद कर रहा था। क्या पता आज भी वो ठीक से सो नहीं पा रहा हो। मैं बस जाकर एक बार। अच्छा ठीक है, तुम खुद अपनी आंखों से उसे देखोगी तो तुम्हें तसल्ली होगी। ठीक है चलो चलो बाहर चलो। यीशु, तुम ठीक हो ना? आशिया, तुम ठीक हो ना? तुम्हारे हाथ पे लगी थी ना, तुम अपना हाथ दिखाओ मुझे। आशिया, तुम्हें तो एक भी खरोच नहीं आई। मेरी यीशु भैया जो मेरे साथ है नहीं बाप। जल्दी करो, इससे पहले वो कसाई वापस आ जाए, हम सारे भेड़ और मेमने को आजाद कर देते हैं। ये
जल्दी चलो। देखा ना तुमने शैतान, यीशु ने आशिया का सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया और ईश्वर की संतान का दर्द इन मेमनों ने भी महसूस किया। उनकी बेचैनी देखी ना तुमने, मानो जैसे खुद दर्द से कराह रहे हो। शैतान, इन मेमनों ने कसाईयों का ध्यान बटाया और यीशु को उसके दर्द से बाहर निकाला। क्या तुम अब भी यीशु को चोट पहुंचाना चाहते हो? शैतान, इसी तरह हमें इन कसाईयों को थोड़ी देर और उलझा कर रखना होगा, वरना हम इन मेमनों को नहीं छुड़ा पाएंगे। यीशु, तुम जाकर मेमनों को आजाद करो, बाकी सब मैं संभाल लेता हूँ। तुम लोग आओ मेरे साथ। हाँ आओ। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो शैतान, मेरी बात मानो, अभी भी वापस लौट जाओ, वरना बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। केवल तुम्हारे और मेरे बीच नहीं, तुम्हारे और ईश्वर के बीच, और उसके बाद क्या होगा ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो। बस देवदूत, तुम्हारी ये गीदर धमकी सुन सुन के थक चुका हूं मैं। अगर ईश्वर को सजा देनी होती मुझे तो कब की दे चुके होते। एक बार फिर से सोच लो शैतान, मेरी इन बातों को गीदड़ धमकी समझने की भूल करोगे तो बहुत पछताओगे। आम तौर पर तुम बहुत शक्तिशाली हो शैतान, लेकिन जब बात इंसानियत और सच्चाई की होती है तो ईश्वर मेरे साथ होते हैं। अच्छा, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं, सच्चाई और इंसानियत को भी आजमा लेते हैं। लेकिन याद रखना देवदूत, अगर एक भी मेमना मरा तो तुम्हारा यीशु गया। देखते हैं आज जीत मेरी होगी या यीशु की। लेकिन अगर यीशु इन सभी मेमनों को बचाने में सफल हुआ तो तुम्हें यीशु के साथ साथ इन सभी बच्चों को सुरक्षित जाने देना होगा। मंजूर है। यीशु कितने चैन से सो रहा है, हो गई ना तसल्ली।
चलो अब तुम भी जाकर थोड़ी देर सो लो। चलो चलो। हे प्रभु, मेरे यीशु पर अपनी कृपा बनाए रखना। क्या करने की योजना बना रहा है? कौन है? तुम हार गए शैतान और यीशु जीत गया।
यीशु उन सच्चे गडेरियों की तरह हैं, जो अपने भेड़ों को प्यार, करुणा और इंसानियत की तरफ लेकर जाएगा। अब तुम और तुम्हारी माँ आजाद है, तुम दोनों जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना, ठीक है? क्यों रही हो नीमा? अब तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। कभी भी होश में आ सकते हैं। हाँ, और हमारे घर में सब सोए हैं और कोई जाग गया और उनको पता चल गया कि हम घर नहीं बाहर है, तो कभी कभी तुम भी मुझे एक छोटी सी बच्ची की तरह लगती हो। देखो, यीशु मेरे जैसा नहीं है। मैं तो बचपन में बहुत ही शैतान था। तुम्हें पता है, रात को कई बार मैं चादर के नीचे तकियों को छुपाकर जुगनू पकड़ने निकल जाता था। यीशु कभी सर के ऊपर चादर लेकर नहीं सोता। इसका मतलब यीशु कभी सर के ऊपर चादर लेकर नहीं सोता। इसका मतलब यीशु